नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं मुख्य आज की जो नर्सिंग खबर है उनके बारे में। एक दो न्यूज़ कल की हैं और कुछ न्यूज़ आज की हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं खुशखबरी, 305 कर्मचारियों को नर्सिंग ऑफिसर पद पर पदोन्नति है। अब देख सकते हैं जयपुर की न्यूज़ है, तो प्रदेश में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम वालों के लिए खुशखबरी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति ने बैठक कर जीएनएम प्रशिक्षण पास 305 विभागीय कर्मचारियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति देकर तोहफा दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अराजपत्रित सुरेश नवल का कहना है कि विभाग कार्मिकों की वर्ष 2021-22 22-23 की नियमित तथा 13-14 से 2020-21 तक डीपीसी कर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति दी है। उसके बाद देख सकते हैं भास्कर एनालिसिस, नीट पीजी में दाखिला, नेक्स्ट फर्स्ट कट ऑफ कम नहीं की तो खाली रहेंगी पीजी सीट्स। यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसमें किए गए प्रावधानों पर देश भर में बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट का आयोजन देश में एमबीबीएस की प्रैक्टिस और मेडिकल कॉलेजेस के पीजी स्ट्रीम में दाखिले के लिए होगा। इससे पहले नीट पीजी की मेरिट के स्कोर पर छात्रों को पीजी में दाखिला मिलता था। नीट पीजी की कट ऑफ परसेंटाइल में जारी होती है, लेकिन इसका प्रतिशत 50 से कम ही रहता है। नीट पीजी की साल 2023 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 800 में से 291 अंक रही थी, करीब 36% अंकों की क्वालिफाइंग कट ऑफ रही थी। अब नेक्स्ट फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 50% अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देख सकते हैं नीट पीजी की कट ऑफ 2023 के अंदर 800 में से 291 यानी 36.37%, 2022 में 800 में 275 आए थे यानी 34.37%, 2021 के अंदर 800 में से 302 आए तो 37.75% रही थी, 2020 में 12 में से 366 आए थे तो 30.50 रही थी, 2019 के अंदर 1200 में से 340 आए थे तो 28.33% रही थी। तो 50% अंक चाहिए नेक्स्ट पास करने के लिए, तो इस प्रकार से लगभग सीटें वो खाली रह जाएंगी। इस बार प्रावधान किया गया नया। उसके बाद देख सकते हैं एनएम व संविदा नर्स के 3646 पदों पर होगी भर्ती। तो ये भी जयपुर से देख सकते हैं राजस्थान के लिए है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को एक साथ दो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की। बोर्ड संविदा पर एनएम और नर्स के 3646 पद भरेगा। इसमें एनएम के 2058, नर्स के 1588 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से शुरू होंगे, अंतिम तिथि 8 अगस्त है। परीक्षा की संभावित तिथि 24 सितंबर है। एनएम को 13,150 रुपये प्रतिमाह और नर्स को 18,900 रुपये प्रतिमाह वेतन रहेगा। तो ये देख सकते हैं दो भर्तियां जारी हुई हैं 3646 पदों पर। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट अपने RUHSC है। ये देख सकते हैं यहां पर RUC है। NEP के तहत UG की 7,000 सीटों पर मिलेगा दाखिला, सेमेस्टर सिस्टम होगा शुरू। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपने मेडिकल से संबंधित नहीं है, तो इसकी डिटेल से अपने बात नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं RUHS के लिए। तो RUHS यानी राजस्थान हेल्थ जो अपने है राजस्थान हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, उसकी है प्रोफेसर के 40 में से 26 पद रिक्त, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी खाली, सरकार की अनुमति का इंतजार, प्रोफेसर सहित अन्य पद भी खाली। देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पदों के लिए स्वीकृति हुई है। तो RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में BDS कोर्सेज की 50 सीटें और बढ़ाने के लिए CM अशोक गहलोत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद स्वीकृत किए हैं। यहां पर 50 और सीटें बढ़ने पर कुल संख्या 100 हो जाएगी। RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में प्रोस्टोडोंटिस्ट के 3, पीडोडोंटिस्ट के, ओरल पैथोलॉजी व पेरियोडोंटिस्ट के 2-2 पद और डेंटल मटेरियल का 1 पद सर्जित किया गया। देख सकते हैं किसके कितने पद रिक्त हैं। तो प्रोफेसर के स्वीकृत 40 पद हैं, कार्यरत 14 हैं, रिक्त 26 पद हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के स्वीकृत 58 पद हैं, कार्यरत 20 हैं और 28 पद रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 86 पोस्ट हैं, 22 कार्य करते हैं, 64 रिक्त हैं। SR स्पेशलिस्ट के यहाँ पर 83 पोस्ट हैं, 59 यहाँ पर लगे हुए हैं, 24 रिक्त हैं। नर्स ग्रेड सेकंड के 257 पोस्ट हैं, 54 कार्यरत हैं, 203 रिक्त चल रहे हैं। टेक्नीशियन के 25 पोस्ट हैं, 3 कार्यरत हैं और 22 रिक्त हैं। लैब टेक्नीशियन के टोटल 13 पोस्ट हैं, कार्यरत 3 हैं और टोटल 10 यहां पर रिक्त हैं। देख सकते हैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने मेडिकल डेंटल और नर्सिंग कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन फैकल्टी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के चलते कॉलेज में क्वालिटी शिक्षा प्रभावित हो रही है। 4 साल पहले प्रताप नगर के 700 बेडेड RUHS अस्पताल खोल दिया था।
यहाँ पर फैकल्टी नर्सिंग लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती नहीं की गई है। वर्ष 2017-18 में अशैक्षणिक पदों पर भर्ती के नाम पर फीस ले ली गई थी। इस भर्ती को बाद में रद्द करते हुए उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटा दी गई थी। ये देख सकते हैं पूरी डिटेल से। उसके बाद देख सकते हैं कुछ अपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, देख सकते हैं ये जारी हुई थी, यानी जयपुर है तो बेरोजगारों के लिए सीएम अशोक गहलोत का यहाँ पर देख सकते हैं तोहफा दिया गया है। तो चिकित्सा विभाग में जारी भर्तियों का बढ़ाया गया दायरा, सीएम की मंजूरी के बाद प्रक्रिया दिन भर्ती में बढ़ाए गए 3386 पद। अब विभाग में 17,160 पदों के बजाय 20,546 पदों पर होगी भर्तियाँ। विभाग में कुल 8 कैडर के पदों पर जारी है सीधी भर्ती की प्रक्रिया। निदेशक एसके नवल ने पदों में बढ़ोतरी की पुष्टि की। नवल ने कहा प्रक्रिया दिन भर्ती में ही नए पदों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत नर्सिंग ऑफिसर के 7,020 पदों को बढ़ाकर किया गया 8,750। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3736 पदों को बढ़ाकर किया गया है 4,847। फार्मासिस्ट में 2,869 के बजाय 3,067 यहाँ पर, एलटी के 2,007 पदों के बजाय 2,190 पोस्ट, सहायक रेडियोग्राफर के 1,067 पदों को बढ़ाकर किया गया है 1,178। इसके अलावा नेत्र सहायक के 99 पदों के बजाय अब 117 पद, डेंटल टेक्नीशियन में 130 पदों को बढ़ाकर किया गया है 151, ईसीजी टेक्नीशियन के 241 के बजाय 246 पदों पर होगी भर्ती, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर, अर्जेंट अस्थायी तौर पर रखे गए कर्मी को मिलेगा फिक्स वेतन। तो राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल के तहत जो संबंधित कर्मी का पद, उस पद का शुरुआती स्तर पर जो पे लेवल है वह फिक्स वेतन मिलेगा। अगर इस फिक्स में से अभी मिलने वाला वेतन ज़्यादा है तो अंतरराशि को किया जाएगा माफ़, यदि मिलने वाला वेतन कम है तो मिलेगा फिक्स वेतन। अर्जेंट अस्थायी तौर पर रखे गए कर्मियों को डी ए सी सी ए एच आर ए नहीं मिलेगा। उच्च स्तरीय अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने जारी किया है ये आदेश। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं जयपुर NHM के संविदा कर्मियों के लिए राहत की खबर। संविदा कर्मियों की नियमित सैलरी प्रतिवर्ष 5% इंक्रीमेंट, NPS कटौती के लिए सभी CMHO को आदेश जारी। NHM MD डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोने ने जारी कर किए हैं यहां पर आदेश। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने जताया आभार। ये कुछ अपने TV की न्यूज़ हैं, कुछ पेपर की कटिंग्स हैं, तो अपने मेडिकल क्षेत्र से जो संबंधित थी उनकी हमने चर्चा की है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी या फिर वैकेंसी का वीडियोस, वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।